14 साल के लिए भगवान को वनवास होता है, तो पहले प्रभु राम यहीं आते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई, उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत हरस। आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी, गंगा पार उतार दियो हमका। श्रृंगवेरपुर, ये निषादराज गुह का वही स्थान है जहाँ से केवट ने वनवास के समय भगवान राम को लक्ष्मण और सीता सहित अपनी नौका से गंगा नदी पार करवाई थी। आज के वीडियो में हम इसी पावन धाम के दर्शन करेंगे। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर स्थित एक रामायण कालीन महत्व का धार्मिक स्थान है। ये प्रयागराज के नजदीकी प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब राजा दशरथ के मंत्री सुमंत राम लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठाकर यहां तक लाए थे। फिर यहीं से श्री राम ने सुमंत को वापस अयोध्या भेजा और स्वयं अपनी खराऊ का भी त्याग करके नंगे पैरों से लंका तक का अपना वनवास व्यतीत किया। श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं निषादराज गुह की विशाल प्रतिमा के। निषादराज यानी मछुआरों का राजा। भगवान राम के समय यहाँ इन्हीं निषादराज गुह का शासन था, जो श्री राम के मित्र भी थे। जैसे ही निषादराज को उनके मित्र के श्रृंगवेरपुर आने की सूचना मिली, तो वह उसी समय उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ श्रृंगवेरपुर, वही स्थान जहाँ से भगवान राम ने वनवास जाते समय गंगा नदी को पार किया था। श्रृंगवेरपुर में एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पर ये निषादराज की विशाल प्रतिमा यहाँ पर लगी है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है श्री राम वन गमन मार्ग। एक तरफ है राम सैया जो कि 3 किलोमीटर है, और दूसरी तरफ है श्रृंगवेरपुर घाट। सबसे पहले हम चलते हैं महर्षि श्रृंगी के मंदिर। मुख्य मंदिर यहीं का ये है जो आप देखें। महर्षि श्रृंगी के नाम पर ही इस स्थान का नाम श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगी ऋषि के नाम को लेकर उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग, जिसे संस्कृत में श्रृंग कहते हैं, जैसा उभार होने की वजह से उनका ये नाम पड़ा था। इन्हीं महर्षि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। और जब यज्ञ समापन हो गया तो उसमें जो हव्य निकली तीनों रानियों को दिया गया, कौशल्या के कई सुमित्रा को। तो जब यज्ञ समापन होता, दशरथ जी बोले कि श्रृंगी महाराज जी, आपको हम दक्षिणा क्या दें? बोले कन्या कौन है? बोले कन्या मेरे दोस्त राजा रोमपाद की। बोले इन्हों को हमको दान दे दो। इस पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जिसे राजा रोमपाद ने राजा दशरथ से गोद लिया था। यानी देवी शांता भगवान श्री राम की बहन थी। यहाँ की आदि प्रसिद्ध देवी है शांता देवी। आज भी जिसकी जो मनोकामना होती है सर, यहीं से मानता मानते हैं सब लोग। यहाँ दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सर श्रृंगी आश्रम, ये शांता देवी, ये शीतला माता। आज भी यहाँ इतनी बड़ी शक्ति है यह श्रृंगी ऋषि और शांता देवी और शीतला माई के स्थान पे। जिन बहन का हमारे माताएं के बच्चे नहीं होते, यहाँ ये श्रृंगी ऋषि के स्थान पे आकर के एक लोटा जल और फूल चढ़ा करके इनसे मंगत मानते हैं और 11 पूर्णवासी में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पूर्णिमा और अमावस्या और सोमवार को बहुत भयंकर मेला लगता है। ये पहले की प्रतिमा है जी, ये पुरानी प्रतिमा, ये पहले जो है, देखिए ये पहले, ये नया मंदिर बना है। ये पहले गिर गया गंगा के बहाव से, ये मंदिर धरातल को चला गया। फिर जो है ये मंदिर को बनवाया जनता समुदाय, पुनः निर्माण हुआ, उसके द्वारा ये जो है नई मूर्तियां का स्थापना हुआ। ये जगह बहुत शांत है। नदी के किनारे पर एक अंतिम संस्कार केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ अंतिम संस्कार करते हैं वह धार्मिक रूप से शुद्ध होते हैं। अब हम जानते हैं भगवान राम के वनवास से जुड़ी यहाँ की कहानी। अयोध्या से तो राम वन गए, लेकिन श्रृंगवेरपुर से राम राम बन गए।
यहाँ तक सुमंत जी रथ से आते हैं, रथ को यहीं छोड़ देते हैं। ये लिखी हुई चौपाई, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेर पुर पहुँचे आई। निषाद ने सुना कि हमारे नगर में भगवान प्रवेश कर चुके हैं अपने परिवार के साथ, कंद मूल फल लेकर आया। बोला, प्रभु चलिए आप रात रुकिए, सुबह गंगा पार आपको मैं करूँगा। जब निषाद राज ने श्री राम से अपने आवास में चलने को कहा, तब श्री राम ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया था कि वनवास भोगने के समय वे किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तब निषाद राज ने वहीं एक वृक्ष के नीचे कुशा की शैया बनाई, जहां भगवान श्री राम ने रात्रि विश्राम किया। अब हम आपको दर्शन कराते हैं उस स्थान के, जहाँ श्री राम वृक्ष के नीचे कुशा की शैया बिछा कर सोए थे। लेकिन पहले चलते हैं निषाद राज के महल, जिनके खंडहर पुरातत्व विभाग की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। खुदाई सर हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस समय नरसिंहा राव जी थे, सब लोग थे, बीपी सिंह थे हमारे नेता, कई लोग दर्शन में इसका प्रदर्शनी लाया और सारे जगह बताया गया सिंहवेरपुर, तो पुरातत्व विभाग भी पधारा और पधारने के बाद यहाँ चेकिंग की है सर, और ये गंगा टच में एकदम किला है हमारा, सारे चीज़ें इसका सर जो हमारे पुरातत्व विभाग सरकार गवर्नमेंट पाई हुई है, संग्रहालय में सब पहुंचा दिया। तो दोस्तों अभी हमने दर्शन किए निषाद राज के महल के, और अब हम यहाँ से चलेंगे रामचोरा जहाँ से केवट ने भगवान राम को नदी पार करवाई थी। चलिए चलते हैं। मतलब इतना ही है या फिर इसके अलावा और भी इसका विस्तार है? इसका विस्तार 500 मीटर का है सर। 500 मीटर जी सर, हम लोगों ने थोड़ा ही देखा, वो पूरा टीला यहाँ तक आया हुआ है जी। 1.5 किलोमीटर की इनकी लंबाई चौड़ाई, लेकिन वो टैंक जो उसके अंदर है उसका 500 मीटर टैंक पुरातत्व विभाग ने रजिस्ट्रेशन उसमें दिखाया सर। दाहिनी ओर चलना है सर, ये श्री राम चौरा। रामचौरा घाट के मार्ग में ही स्थित है रामशैया। दोस्तों रामचौरा घाट के रास्ते में ही उसके किनारे पर ये यहाँ पर आता है रामशयन आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। ये प्रभु श्री राम जी का निवास स्थान है, प्रभु श्री राम जी रात्रि निवास, ये वही तपोभूम है। भरत जी भी रात्रि में यहाँ पर आकर के निवास किए। प्रभु श्री राम जी का तपोभूम विश्राम स्थल रामचौरा घाट, ये हमारे महाराज जी मंदिर के महंत जी श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी विराजमान हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ये हमारे मर्यादा प्रभु राम का इस शयन स्थल है। जब त्रेता युग में हमारे प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, एक रात इस वृक्ष की छाया में प्रभु ने हमारे शयन किया। ये इतना पवित्र पावन स्थल है, ये गुहराज निषाद का वाटिका था। जब गुहराज सिंहवेरपुर आते हैं प्रभु, तो वो अपने महल में ले जाना चाहता था गुहराज, बोला प्रभु के इनकार कर देने से अपने बगीचा में लाया। जब प्रभु का कहा कि चलिए महल में प्रभु, तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि बरस चार दस बास बन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन भये दुखे गुहुभार। तो हमारे निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। प्रभु कहते हे सखा, 10-14 वर्ष के लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं है, पिताजी की आज्ञा नहीं, हमको मुनि भेष में 14 वर्ष भ्रमण करना है। तब तो निषाद राज को बड़ा दुख होता है कि अब किस घर में हम प्रभु को ले जाएं। तो उसी समय अपने दिल में आत्मा में अनुमान करता है कि तब निषाद पतवुरी अनुमाना और तरसी सपा मनोहर जाना। सोचा उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा। अपने दिल में जब सोचा, तब फिर प्रभु से आग्रह करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु कुछ दूर पर हमारा वाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। हमारे प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ। जब ये स्थान पर हमारे मर्यादा पुरुष आते हैं तो बड़ा रमणीक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब निषाद राज सोच रहा है कि प्रभु का आसन क्या दें जंगल में, अगर महल में ले जाता तो राजे था, सब कुछ सेवा करता, क्या कमी थी। बोला अब जंगल में सोच रहा है कि प्रभु का आसन क्या दें, किस पर बैठाएं, सब चाह रहा है। उसके बाद दिमाग दौड़ाया कि जंगल में एक पवित्र पावन कुसा होता है, कुसा ऐसा पवित्र पावन कोई चीज़ नहीं होता, कोई भी कर्म करोगे शुरू से अंत तक कुसा काम लगेगा, बिना कुसा के किसी कर्म की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो झट से कुसा मंगाया और कुसा को बढ़िया नीच करके उसका चटाई साथरी बनाता है कि गुह समार साथरी नसाई और कुश की सलाई में धुल सुहाई। अच्छे ढंग से कुश की साथरी प्रभु के लिए बनाता है, तो हमारे प्रभु उसी कुश के साथरी बैठते हैं
और बैठ करके जो फल फूल था इसी जगह खाते हैं। किसी ये सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाएं, और सैन कीन रघुवंश मनी पाए पलोटत भाई। यहाँ प्रभु सैन क्या फिर प्रातः काल उठ करके बरगद का दूध मंगाते हैं। प्रभु बरगद दूध मंगा करके जड़ाजूट तब से भेद भगवान धारण करते हैं। बलकर चीन माँ जानकी जी धारण करती हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाई और सुर सरती रह आप चली आए। इसी जगह से रथ को लौटार दिया है प्रभु। अगले दिन यहाँ से आगे वनवास की ओर जाते समय गंगा नदी पार कराने के लिए निषाद राज ने केवट को बुलाया। तब केवट ने कहा कि अपनी नौका में बिठाने से पहले मैं श्री राम के चरण धोकर चरणामृत ग्रहण करूंगा। श्री राम ने केवट को इसकी अनुमति दी। जिस स्थान पर केवट ने श्री राम के चरण धोए वह स्थान रामचूरा घाट कहलाता है। फिर यहीं से केवट ने श्री राम को गंगा नदी पार कराई थी। तो दोस्तों निर्मल बाबा जो हैं वो हमें घुमा रहे हैं श्रृंगवेरपुर। तो ये अभी हम हैं रामचूरा घाट। नमामि गंगे, ये हमारा रामचूरा घाट प्रभु श्री राम जी का घाट है। प्रभु श्री राम जी यहीं से पार गए थे। यही घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी नौका मांग रहे हैं निषाद राज से। उठ करके स्नान ध्यान करके प्रभु श्री राम जी यहीं से पार जा रहे हैं। तो केवट मांगी नाव न केवट आना, कहा है तुम्हार मर्म में जाना। बताइए रात भर निषाद राज भगवान श्री राम जी के साथ में थे। सखा बन करके सारी ड्यूटियाँ किया और सुबह नाव को दूर हटवा दिए वही चरण धोने के लिए। चरण रज इनका लेना है प्रभु का। तो आज वही श्री राम जी का ये तपोभूम राम घाट है सरकार, हमारे रामचूरा घाट इसे कहते हैं लोग। और सरकार इस समय हमारी इसका बहुत बड़ा विकास कर रही है। पहले कुछ नहीं था, अब तो सरकार हमारा विकास कर दिया, बहुत विकास हुए। देखा जाए तो ये सब पक्के घाट हमारे बन गए। मंदिर, स्नान गृह, शौचालय, सारे स्कीम इसके सब सज गए। सरकार प्रभु यहीं से हमारे राम जी का सारा वर्णन यहीं से हो रहा है। प्रभु का बन जाने का यही सिंगी ऋषि महाराज जी का कथा और यही राम घाट है आपका। दोस्तों ये है वो पुण्य स्थान जहाँ से भगवान, हाँ बिल्कुल, भगवान राम जो हैं उन्होंने गंगा नदी पार की थी। तो यहाँ से जो है क्या है सीता कुंड है, सीता कुंड है सर, यहाँ से सीता कुंड तो, सामने सीता कुंड है, सीता कुंड दिख रहा है। हाँ तो अब हम यहाँ से आपको लेकर चलेंगे सीता कुंड। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सीताकुंड, और सीताकुंड की महिमा के बारे में हमें बताएंगे, जैसा कि हमें पूरे श्रृंगवेरपुर धाम के बारे में बताया है निर्मल बाबा जी। हाँ प्रभु, इस सीताकुंड घाट की महिमा हमारे ये है। प्रभु श्री राम जी जब पार उतरते हैं, पार उतरने के पश्चात माता जानकी जी पूजन का ठानती हैं और उसी पर यही सीताकुंड से एक मुट्ठी बालू ले करके और शिवलिंग की स्थापना करके यही सीताकुंड में, और माता जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया। तब गंगा जी प्रसन्न आत्मा से प्रकट होकर के और यहाँ पर आशीर्वाद देती हैं कि जब तक रहे जमुन जलधारा तब तक रहे अहिवाद तुम्हारा, या वही तपोभूम जानकी जी का आशीर्वाद रूप भैरव घाट सीताकुंड कहलाता है। प्रभु जी श्री राम जी यहीं पर पूजन करके और भरद्वाज मुनि आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। ये वही तपोभूम है सीता मैया का, जहाँ पर माता सीता जी ने पूजन किया था।
तो दोस्तों आज आपने दर्शन किए श्रृंगवेरपुर धाम के। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे की मेरी यात्रा में भी आप मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।